close till I get up. Time is barely on our side. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज बहुत ही प्यारा वेदर था और बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मैं सीधा इधर आ गई। मैंने सोचा हाफ आवर ना इधर वॉक करके तो उसके बाद सीधा शॉप पे चली जाऊँगी। नाश्ता मैं करके आई हूँ क्योंकि मेरा जो काम है ना वो सारा दिन बैठने का है और बैठ बैठ के भी ना काफ़ी मसला हो जाता है शोल्डर वगैरह को, तो इसलिए मैंने सोचा सुबह सुबह वॉक करती हूँ तो सारा दिन मेरा अच्छा गुजरेगा। तो ये शॉप और घर के नज़दीक ही है इसलिए मैं वहाँ पर चली गई थी और उधर आधा तकरीबन घंटा मैं रही, चक्कर वगैरह एक दो लगाए और उसके बाद मैं सीधा शॉप पे आ गई थी। ये जो मेरे शॉप की सीधी सड़क है ना, नज़र जो आ रही है इसके एंड पे ही ये पार्क है वो वाला जहाँ पे मैं गई थी। तो अभी इसी रास्ते से फिर मैं वापस आ गई थी और वापस आते ही शॉप वगैरह मैंने ओपन कर ली है। ये आजकल जो ख़ज़ा का मौसम चल रहा है ना, आपको पता है ये ऑरेंज पत्ते वगैरह बहुत ज़्यादा गिरते हैं इधर। जो हमारे ट्री वगैरह होते हैं ना, इनके ये ऑरेंज कलर के पत्ते हैं और कुछ के येलो हैं, देखने में ये इतना प्यारे लगते हैं और इतना अच्छा मूड हो जाता है ना मेरा इनको देख के। आज ना सर्दी थोड़ी थी, ठंडी हवाएं भी चल रही थी, मैं अंदर बैठी हुई थी, मुझे जब ये नज़र आए ना कि ये जो है ट्री की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर रहे हैं, जो पत्ते वगैरह नीचे से भी उठा रहे हैं क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा पत्ते वगैरह गिरते हैं, बस ये सफाई वाले आए थे और मैंने सोचा चले मैं थोड़ा सा ना क्लिप शेयर करती हूँ। ये माली हैं जो क्योंकि इस साइड पे है ना इनके छोटे ट्री वगैरह, तो उन पे ये पानी भी देते हैं वीक में दो दफ़ा, और अगर कुछ टहनियाँ वगैरह काटनी हो तो वो भी काट देते हैं। बस मैं भी इधर खड़े होकर ना यही देख रही थी शॉप के सामने कि कितना ये नफासत से काम करते हैं और एक एक पत्ता ये हाथ से भी उठा लेते हैं जो नीचे रह जाए। ये जो बूढ़ी औरत खड़ी थी ना, ये इनको कह रही थी कि ये इसकी टहनियाँ मैं घर ले जाऊँ क्योंकि वाकई ही देखने में ना बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। बस मुझे तो बहुत सर्दी लग रही थी क्योंकि बाहर बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मैं फिर अंदर आ गई थी। बस ये एक कस्टमर कह रही है कि मुझे साइज़ दिखा दो, इसलिए मैं बाहर आई हूँ, लेकिन सर्दी बहुत है तो मैं जल्दी से अंदर चली जाती हूँ दोबारा। तो वो कस्टमर मेरी तो चली गई, मैं फिर बस इधर खड़ी होकर थोड़ा सा ना देखना शुरू हो गई। ये देखिए कितने ऑरेंज कलर के इसके पत्ते हैं ना, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे ये लगते हैं। आजकल जो ख़ज़ा का मौसम है ना, जहाँ पे ज़्यादा ट्री वगैरह होते हैं, हमारी जो दूसरी एरिया है ना दूसरी साइड पे जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ज़्यादा हैं ये और बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन इनका गंद भी बहुत होता है ना। ये रात को बेचारे साफ़ करके जाते हैं या सेकेंड टाइम, तो सुबह सुबह ना इतने ज़्यादा पत्ते फिर गिरे होते हैं। ये देखें ये तीन से चार आदमी हैं और बहुत ही ये ऐसे क्लीन कर रहे हैं जैसे अपने घर को नहीं कोई नीट क्लीन करता, जैसे घर में किसी ने पौधे रखे हैं। तो वैसे तो जाहिर है ये सिटी वालों के ही होते हैं, इनकी गवर्नमेंट की जॉब होती है, लेकिन ये काम ना अपनी ईमानदारी से करते हैं। यही इन लोगों की कामयाबी का राज है कि इनको कोई भी जॉब दे दो या कोई भी काम ये पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। बस ये जो तीन अपर थे ना ये कोई दूसरी साइड पे रख गया था, तो इसी तरह मैं देखती रहती हूँ क्योंकि कुछ कस्टमर आते हैं तो चीज़ें उठा के ना इधर उधर भी रख देते हैं, वो फिर देखना पड़ता है कि कौन सा आर्टिकल है वो कौन सी साइड पे आएगा। तो बस साथ साथ मैं ये भी चेक करती हूँ और अभी बस मैं अंदर चलूँगी क्योंकि बाहर खड़ा होना तो बहुत मुश्किल है ना, ठंडी हवाएं जो चलती हैं ना उससे सर्दी ज़्यादा लगती है। वैसे तो इतनी सर्दी नहीं होती लेकिन ये ठंडी हवाओं की वजह से ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। तो हालांकि मैंने काफ़ी मोटे वाले कपड़े पहने हैं लेकिन फिर भी इधर तो सर्दी एक्सट्रीम सर्दी होती है। अंदर नहीं इतनी लगती क्योंकि अंदर हमने हीटर वगैरह लगाए हैं, वैसे मेरा डोर ओपन होता है तो जब ज़्यादा सर्दी हो तो फिर मैं ऊपर भी ना रख लेती हूँ हीटर जो होता है ना छोटा सा हीटर होता है वो अपने पास भी रख लेती हूँ। वैसे पूरी शॉप में लगे हुए हैं हीटर लेकिन हमारा डोर जो है हम बंद नहीं कर सकते कस्टमर की वजह से, तो वो हमारा ऐसे ओपन ही रहता है, लेकिन अंदर तो इतनी सर्दी नहीं लगती। इधर मैं घर आ गई थी और ये यहनी मैंने बनाई थी रात को, मैं बना देती हूँ डेली रात को और दोपहर को जब आती हूँ ना तो एक बाउल ज़रूर ले लेती हूँ यहनी का। ये वही यहनी है जो मैं पहले भी बनाती हूँ अपने लिए, तो कभी कभार नहीं भी बनाती लेकिन कोशिश करती हूँ कि अब सर्दियाँ आ रही हैं तो एक नहीं तो दूसरे दिन बना लिया करूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जी यहनी ले रही हूँ। बच्चों को मैंने लंच करवा दिया था, अभी मेरा अपना मूड नहीं है लंच करने का, मैं बस यहनी लूँगी। तो उसके बाद ना मुझे एक दो काम है तो वो काम करने जाऊँगी अपने,
बस काम ऐसे ही स्टार्ट हो जाते हैं। मैंने सोचा चलो सर्दी है तो यही पी के जाऊंगी ताकि सर्दी ना लगे, और ये बहुत ही यमी तैयार हुई थी है। मैं ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं यूज़ करती, बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट। इसी के साथ इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। हर किसी की अपनी अपनी पसंद है जी, हर कोई अपने तरीके से बनाता है। मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। कुछ चीज़ें ना सिंपल ही अच्छी लगती हैं जिसमें ज़्यादा स्पाइसेस वगैरह ना हो। अगर हम ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है जो चीज़ का अपना टेस्ट होता है ना वो नहीं आएगा। इसलिए मैं कुछ चीज़ें हैं जिसमें स्पाइसेस बहुत कम यूज़ करती हूँ। तो बस यही मैंने यहाँ पर पी ली थी, और उसके बाद बच्चों को मैंने लंच पहले ही करवा दिया था। अभी मैं जा रही हूँ जी अपने बेटे के साथ, हस्बैंड की ने कुछ दवाइयाँ लेनी थी, मेडिसिन लेनी थी, तो डॉक्टर को उन्होंने कॉल की थी। मैंने आपको बताया होगा कि जो हमारा फैमिली डॉक्टर है ना वो हम साथ वाले सिटी में ही, हम लोग उधर ही जाते हैं साथ वाले सिटी पे। और सेकंड टाइम तो हस्बैंड आ गए थे शॉप पर, मैंने उनको बोला था कि आप आते हुए अपनी जॉब से ना मेडिसिन अपनी लेते आना, तो मुझे कहते हैं नहीं मैं काफ़ी लेट हो गया था ऑलरेडी, तो मैंने सोचा आप वेट कर रही होगी तो इसलिए मैं आ गया हूँ, तो आप चली जाओ। बस मैंने जल्दी से यहनी ली, और यहनी पीने के बाद मैं अब इधर जा रही हूँ बेटे के साथ। बेटे ने भी माशाल्लाह लंच कर लिया था। असल में ना जो हमारा डॉक्टर है ना हम इसे छोड़ना नहीं चाहते, ये बहुत अच्छा डॉक्टर है। वैसे तो ज़ाहिर है मेन सिटी में तो आपको पता है हर गली में ही 2-3 डॉक्टर होते हैं, लेकिन ये जो हमारा बहुत पुराना डॉक्टर है हम इसी के पास जाना चाहते हैं। 5-6 साल हो गए हम इसी के पास जाते हैं, तो वो चाहे दूर है तो मैं चली जाती हूँ, या अगर कुछ लेना हो तो हस्बैंड भी चले जाते हैं, मैं और हस्बैंड इसके पास जाते हैं। जो बच्चों का है, बच्चों का तो आपको पता है एक्स्ट्रा डॉक्टर होता है, तो वो तो मेरी शॉप के साथ ही है, लेकिन इधर हम ज़रूर जाते हैं। और हस्बैंड ने ना इसको कॉल की थी कि मेरी वाइफ आ रही है तो मुझे ना ये वाली 1-2 चाहिए मेडिसिन, तो आप लिख के देना, क्योंकि इधर ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं ना वो आप ले नहीं सकते खुद, चाहे वो मेडिकल स्टोर से मिलती हैं, लेकिन जब तक डॉक्टर का इधर आपके पास रसीद ना हो तो आप नहीं ले सकते, तो इसलिए वो डॉक्टर के पास पहले जाना पड़ता है और बताना पड़ता है कि आपने कौन सी लेनी है जी मेडिसिन, तो वो डॉक्टर आपको लिख के देगा, आपने सिग्नेचर करेगा तो फिर आप मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। बस इसी चक्कर में मैं भी उधर ही जा रही हूँ, और वैसे भी इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि जो 1 और 3 के दरमियान का 2 घंटे टाइम होता है ना, ये डॉक्टरों को इधर ना ब्रेक होती है। तो ये जो चाइनीज़ डॉक्टर है हमारा, मैंने आपको पहले भी बताया था चाइनीज़ डॉक्टर है ये, तो इसकी रिहाइश जो है ना उसके ऊपर ही, अपने क्लिनिक के ऊपर। तो ये काफ़ी मेरे हस्बैंड के साथ फ्रैंक भी है, तो कोई भी बात हो ना तो कॉल पे बता भी देता है, या कुछ अगर डिटेल पूछनी हो तो हम इससे ऐसे ही कॉल करके तो पूछ लेते हैं। तो इसने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि कोशिश करें कि 1 से 3 के दरमियान में आ जाएं, तब कोई भी पेशेंट्स नहीं होता, रश नहीं होता, तो आप अपनी वाइफ को या खुद आ जाइएगा या वाइफ को भेज दें तो मैं आपको ना वो बना दूंगा जो जो आपको चाहिए। तो बस इधर मैं आ गई थी, आप देखें क्लिनिक बंद है, बस अभी मैं ना डोर बेल देती हूँ तो देखती हूँ आगे कौन आता है। डोरबेल मैंने दे दी है, ये ऊपर ही रहता है, इसका ना काफ़ी बड़ा सा क्लिनिक है। आज तो मैं आपको अंदर जाके देखती हूँ वीडियो शूट होती है या नहीं, फिर मैं आपको ना अंदर का सारा बता दूँगी। आई थिंक ये डॉक्टर ही आ रहा है क्योंकि ब्रेक है, तो और तो कोई इधर है। हेलो मिस्टर, मैं दिखा मैंने फिर मन मन ट्राई बनना सर। अच्छा जी, मैं अंदर आ गई हूँ, ये है हमारा चाइनीज़ डॉक्टर, मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी सी मैंने वीडियो इधर भी बना ली थी। ये काफ़ी साल ना हमारे सिटी में ही ये डॉक्टर रहे हैं, और अभी तकरीबन 2 साल हो गए हैं ये दूसरे शहर में आ गए हैं। हम इसके पास इसलिए आते हैं कि आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताएं कि आपको क्या इशू है, क्या मसला हो रहा है, ये बहुत डिटेल से सुनते हैं, फिर उसके बारे में सारी आपसे ना डिटेल से बात करेंगे और सारी डिटेल आपको समझाएंगे कि आपने ये ऐसा करना है, या ये अक्सर ना ये भी बता देते हैं कि अगर जैसे मुझे वीकनेस का ज़्यादा मसला होता है कि अगर कोई विटामिन कम हो तो आप ये वाला फ्रूट लें, ये वाली डाइट लें, हर चीज़ का ना बहुत डिटेल से बताते हैं। और ब्लड टेस्ट जो लेते हैं इधर 6 मंथ के बाद, तो अगर हम लोग भूल जाएं या मेरे हस्बैंड भूल जाएं तो वो कॉल भी करते हैं कि आप जल्दी से आ जाएं जी आपका ब्लड टेस्ट है। वैसे तो दूसरे डॉक्टर भी इधर केयर करते हैं, लेकिन ये जो है ना ये तफसील से बहुत आपकी केयर करेगा और बहुत चीज़ें आपको बताएगा कि अगर आपको वीकनेस है आप ये लें, अगर कोई विटामिन कम है तो ये वाला फ्रूट लें, बस ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते हैं ये।
इस वजह से ही हम इसके पास आते हैं। मतलब अच्छा टाइम लेके ये अपनी सारी तफसील से ना आपको बता देंगे कि आपको ये प्रॉब्लम चल रहा है तो आप इस चीज़ की केयर करें। तो बस इसी वजह से ही हमें ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ज़ाहिर है दूर आना होता है, टाइम निकाल के आना होता है। अपने सिटी में तो चलो टाइम ज़ाहिर है कम लगता है, इधर आने जाने को भी हाफ घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन जाहिर है जहाँ पे आपका दिल मुतमिन हो और जहाँ पे आपको अच्छा लगे तो आप उधर ही जाते हैं, चाहे वो दूर हो। तो ये इधर भी इसके रूम हैं, ये देखें ये सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ना, ये उसके ऊपर घर है। और लास्ट टाइम मैंने इसका वेटिंग रूम आपको दिखाया था अपने व्लॉग में, शायद लास्ट मंथ के व्लॉग में मैंने वेटिंग रूम दिखाया था, काफ़ी बड़ा है वो भी। क्लिनिक इसका काफ़ी बड़ा है, ये इसीलिए मूव हुआ है कि ये इसने अपना हाउस लेके और उसके ऊपर रिहाइश रखी है और नीचे इसने क्लिनिक बना लिया है। जो हमारे सिटी में रहता था ना, वहाँ पे ये पे करता था, रेंट पे रहता था, इसका क्लिनिक था। तो अभी इसने अपने घर में मूव कर लिया है, सारा कुछ बहुत नीट और क्लीन है इसका क्लिनिक है। वैसे तो सबके हेयर इधर नीट क्लीन ही होते हैं, लेकिन ना मुझे बहुत अच्छा लगा है जिस तरह इसने बनाया है। तो बस अभी मैं इधर खड़ी हूँ जी, ये चेक कर रहा है सारा, साथ में हस्बैंड से भी बात कर रहा था कि आपको क्या मसला है, मसला किस चीज़ की आपको मेडिसिन चाहिए, तो वो खुद ही तफसील से बात कर रहे थे। तो अभी ये सर्च कर रहे हैं, पहले ना ये सारी डिटेल भी देख लेते हैं। तो क्योंकि लास्ट मंथ ना हस्बैंड ने इन्हीं से वैक्सीनेशन भी करवाई थी, तो वो अभी इनको सेकंड डोज लगनी है, तो वो भी डेट मुझे देख के देंगे। कह रहे हैं कि मैं आपको पेपर पे लिख देता हूँ ताकि आप भूल लें ना, 6 वीक के बाद इन्होंने मुझे टाइम दिया है हस्बैंड के लिए। मैंने खुद तो अभी करवाई नहीं है, लेकिन मैं भी करवाऊंगी, क्योंकि हो सकता है मैं पाकिस्तान का चक्कर लगवाऊं। तो आपको पता है कि अगर आप वैक्सीनेशन ना करवाएं तो आप प्लेन का सफ़र नहीं कर सकते, तो मुझे बस वो भी देखना पड़ेगा। बस ये इधर वही पेपर दे रहे हैं और सारा कुछ इन्होंने मुझे लिख दिया है डिटेल से, हस्बैंड का जो सेकेंड डोज है उसके बारे में भी बता दिया है। बाकी मेडिसिन भी मैंने लिखवा ली हैं, अभी जाऊँगी जी मैं मेडिकल स्टोर पर और वहाँ से ले लूँगी, वो मैं अपनी सिटी में ही जा कर लूँगी, इधर तो अब मैं नहीं जाऊंगी। वैसे तो है इसी इनके क्लिनिक के साथ, लेकिन मैं आराम से अब जाऊंगी घर, बेटा साथ ही है तो इसलिए फिर मैं घर चली जाऊंगी और वहाँ से जाके ना मैं हस्बैंड की ले लूंगी ये मेडिसिन जो भी इन्हें चाहिए। तो इनकी सेकंड डोज के लिए भी डेट मिल गई है और उसके बाद मैं सोचूंगी कि मैं खुद भी वैक्सीनेशन इसी से करवा लूँ या जो अपने सिटी में है वहाँ से करवाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने नहीं वैक्सीनेशन करवाई, हस्बैंड ने बस एक डोज लगवाई है, दूसरी अब लगवाएंगे, नेक्स्ट वीक का टाइम दिया है, अब देखते हैं अल्लाह हैर करे। ये लगवानी भी ज़रूरी है और बस अभी की दोनों डोज हो जाए ना तो उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हस्बैंड ने लगवाए थे तो काफ़ी ज़्यादा इनको फीवर वगैरह हो गया था, तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि पहले मैं सेकंड लगवा लूँ तो उसके बाद आप स्टार्ट करना। तो इंशाल्लाह बस जैसे जैसे टाइम मिलेगा तो लगवा लेंगे। क्लिनिक के साथ ही ना आलडी था, तो बेटे को बस कुछ लेना है पीने के लिए, उधर मैं चली गई थी और वहाँ से बेटे के लिए कुछ लेके आई जो उसने लेना था। तो अभी हम वापसी पे जा रहे हैं जी, घर जाके पहले तो मैं मेडिकल स्टोर पे जाऊंगी, उसके बाद फिर घर जाके डिनर की तैयारी भी करनी है और देखते हैं अब रास्ते में कितना टाइम लगता है, क्योंकि वापसी पे ना ज़्यादा टाइम लगेगा, इस टाइम ना रश बहुत होता है, छुट्टी का टाइम होता है 3 से 4 के दरमियान, तो आपको पता है फिर गाड़ियाँ भी सड़कों पे ज़्यादा होती हैं, रश भी होता है इस वजह से। इधर बस मैं अपनी बिल्डिंग के नीचे ही बैठी थी, पारिक तो एज़ यूजुअल मिल नहीं रही, तो बस मैं इधर ही वेट कर रही हूँ, हो सकता है कोई ना कोई गाड़ी निकले तो मैं उधर बस पार्क करके चली जाऊँ। लास्ट टाइम मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप अपनी पार्किंग ना इधर बुक करवा लें, इधर पार्किंग हम बुक नहीं करवा सकते, बुकिंग बस उधर ही होती है जो आपका ना घर के पीछे गैरेज वगैरह बने होते हैं वहाँ पे आप बुक करवा सकते हैं, लेकिन ये जो दूसरा एरिया होता है ना मेन स्ट्रीट के आगे या इधर उधर, मेन सिटी की मैं बात बता रही हूँ, यहाँ पे कोई भी पार्किंग आप बुक नहीं करवा सकते। एक कार्ड बनता है जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था 3 साल का, तो वो जो 3 साल का या 1 साल का भी बनता है, मैंने 3 साल का बनवाया है, वो इसलिए कि नॉर्मल इधर 2 घंटे की पार्क करने की इजाज़त होती है, तो मैं इधर रहती हूँ इस बिल्डिंग में तो मुझे इसलिए वो फिर मैं सारा दिन उस कार्ड के साथ पार्क खुद कर सकती हूँ, लेकिन पार्किंग इधर बुक नहीं हम करवा सकते। वो कार्ड इसी वजह से है कि 2 घंटे की बजाय आप सारा दिन इधर पार्क कर सकते हैं। जो हमारी बड़ी गाड़ी है हस्बैंड की, उसकी तो पार्किंग जो हमारी हाउस है ना उसके साथ गैरेज हमने बुक किया है, वो गैरेज के आगे हम खड़ी करते हैं।
और ये जो मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ ना, यहाँ पे पूरी बिल्डिंग को ना कलर कर रहे हैं। वैसे पहले भी ग्रे कलर का था, उसी को नीड कर रहे हैं। साल में एक दफ़ा ये कर देते हैं कलर, और कलर ही हो रहा है हमारी बिल्डिंग में। इसी के साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।